छोड़ दूँ इसे, छोड़ दूँ इसे। सबको नमस्कार। आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। हम सब जानते ही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित समाज जीवन में विविध संगठन जो काम करते हैं उन सब के कहीं ना कहीं समन्वय होता है और ऐसे प्रतिवर्ष होता है संघ करता है, उसी का नाम है अखिल भारतीय समन्वय बैठक। ये इस समय रायपुर में हो रही है और इस समय प्रेस ब्रीफिंग के समय हमारे बीच में इस सारे बैठक की पूरी संपूर्ण जानकारी जो है हमारे बीच में प्राप्त होने वाली है। हमारे बीच में है श्री सुनील जी आंबेकर, बीच में है संघ के आप प्रचारक हैं बचपन से, नागपुर के आप स्वयंसेवक हैं और इस समय संघ का जो अपना प्रचार विभाग है उस प्रचार विभाग के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का आपकी ओर दायित्व है। आपके दाहिने ओर अपने श्री नरेंद्र कुमार जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं और सह अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का आपकी ओर दायित्व है। रायपुर में अपनी समन्वय बैठक हो रही है इसलिए रायपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी हमारे बीच में हैं, महेश जी बिरला। आप रायपुर के हम सब जानते हैं प्रतिष्ठित व्यवसायी है और महानगर माननीय संघ चालक का आपकी ओर दायित्व है। इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि आप सबके साथ जानकारी साझा करें। सभी को माफ कर दीजिए, सभी को नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके कार्य से आप लोग परिचित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर संघ के स्वयंसेवक बहुत सारे संगठन को संचालित करते हैं, समाज जीवन के विविध क्षेत्र में, शिक्षा के, आर्थिक जगत के, सेवा के और सामाजिक ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर कई प्रकार के संगठन प्रारंभ हुए हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख संगठन, लगभग 36 संगठन इस बार यहाँ पर आ रहे हैं और रायपुर में ऐसे सभी जो विविध संगठन हैं उनकी अखिल भारतीय समन्वय बैठक आयोजित हो रही है। ये बैठक कल से अर्थात 10 सितंबर से 12 सितंबर की शाम तक यहाँ पर चलेगी। सभी संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिसमें उनके अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री और कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ता ये सहभागी हो रहे हैं। इस विविध संगठन में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में संगठन है विद्या भारती, जो कई प्रकार के सामान्य विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का संचालन करते हैं, विद्यार्थियों का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। टीचर्स, शिक्षकों में काम करने वाला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है ABRSM, या सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सेवा भारती है, या और प्रकार के भारत विकास परिषद जैसे कई सारे संगठन हैं, और विशेषकर दिव्यांगों में काम करने वाले जो स्वयंसेवकों के द्वारा संचालित संगठन है सक्षम, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। जनजाति क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश भर में कार्यरत है, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी यहाँ पर सहभागी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रमुख पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर सहभागी होंगे। तो ऐसे लगभग जीवन के हर क्षेत्र में समाज जीवन के सक्रिय कार्यरत ऐसे संगठन यहाँ पर आकर विचार विनिमय करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये सारे संगठन संघ से प्रेरित है अर्थात राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर समाज के प्रति जो एक आत्मीयता और संवेदना है उसके कारण वो सतत सक्रिय रहते हैं। वो जिस क्षेत्र में सक्रिय है उस क्षेत्र का अध्ययन भी करते हैं
वहाँ की समस्याओं के समाधान का भी काम करते हैं और समय समय पर उसके लिए आवश्यक हो वहाँ संघर्ष भी करते हैं। ये सारे संगठन स्वाभाविक ये स्वतंत्र स्वायत्त रूप से अपने काम करते हैं, परंतु संघ से प्रेरित है और बहुत सारे स्वयंसेवक जो संघ से शिक्षा दीक्षा लेकर वहाँ कार्यरत रहते हैं, तो उन सभी के साथ संघ का समन्वय रहता है और इसलिए वर्ष में एक बार ऐसे सारे जो स्वयंसेवक है जो संगठन के संचालन में लगे हुए हैं वो सारे एकत्रित आते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक जो वार्षिक वर्ष में एक बार होती है, प्रतिवर्ष होती है, उसका आयोजन अपने रायपुर में हो रहा है। पिछले वर्ष यही बैठक मतलब विलंब हो गई, सामान्यता सितंबर माह में होती है, पिछले वर्ष कोरोना के चलते लेट हो गई थी और इस जनवरी में हुई थी, तो 22 में ही जनवरी में पिछली बैठक 5 से 7 जनवरी भाग्यनगर हैदराबाद में हुई थी। अब उसके बाद नियमित रूप से अब ये सितंबर में जो बैठक होती है वो यहाँ पर हो रही है। ये बैठक में अपने अपने जो अनुभव होते हैं अपने क्षेत्र के उनको सब लोग साझा करते हैं, वर्ष भर में जो कार्य वो करते हैं और अपनी उसका भी निवेदन करते हैं, अपने जो लक्ष्य रखते हैं उसके अनुसार उनकी जो उपलब्धि होती है उसका भी निवेदन यहाँ पर होता है और अपने अपने जो क्योंकि वो समाज में काम करते हैं तो उनके कई सारे अनुभव रहते हैं और कई सारे ऑब्जर्वेशन रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वो साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं ताकि वो अपने अपने अनुभवों को यहाँ बताते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखने का भी समझने का मौका मिलता है। कई सारे संगठन एक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे शिक्षा क्षेत्र में कुछ संगठन काम करते हैं, कुछ आर्थिक जगत में जैसे भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसे कई सारे काम करते हैं, तो कई मुद्दे उनके समान होते हैं और उन मुद्दों पर भी वो कुछ समान चर्चाएं करते हैं और समान लक्ष्य भी लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछली बैठक में अपने जितने भी आर्थिक दृष्टि से जुड़े हुए संगठन है आर्थिक विषयों से, उन्होंने स्वावलंबी भारत अभियान एक संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था, पिछली बैठक के बाद मैंने ये जानकारी भी दी थी, और उन्होंने स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार इसके लिए कई सारे व्यापारिक या उद्योग या स्कूले या ऐसे अलग अलग संगठन के साथ जुड़कर ये सारे संगठन काम कर रहे हैं और उन्हें कई सारे उसमें प्रगति की है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। जैसे शिक्षा के संगठन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा में परिवर्तन पर सामूहिक काम कुछ काम सामूहिक भी करते हैं, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी और उन कामों को आगे कैसे बढ़ाना इस पर भी सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। कुछ का विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर सारे लोग काम करते हैं, जैसे संगठन की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कुछ गतिविधियां चलती है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में आज पूरे समाज का महत्वपूर्ण विषय है, तो पर्यावरण में बहुत सारे संगठन भी समाज में ऐसे है कि जो इस पर सक्रिय रहते हैं, तो सभी संगठन ऐसे सारे विषयों में सामने जाकर समाज के विभिन्न संगठनों के साथ सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक लोगों के साथ मिलकर उस विषयों को आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरे समाज का सहभाग इसमें हो। तो ऐसे पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, समरसता का विषय है, सामाजिक समता समरसता का, ऐसे कई विषयों पर सभी संगठन भी मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। स्वाभाविक ही जब ये सारे लोग समाज में सक्रिय रहते हैं तो समाज की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती है, समाज के सामने जो चुनौतियां आती है और समय समय पर उनका जो आकलन उनका अपना अपना होता है उसको भी साझा करते हैं और उस पर एक अपने आगे की दिशा बनाने की दृष्टि से आकलन करते हुए एक दिशा भी बनाते हैं। तो ये एक सहज स्वाभाविक रूप से ये सभी संगठन स्वायत्त और अपने अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय भावना से समाज के प्रति संवेदना के साथ ये काम करते हैं और संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों के द्वारा है, तो वो लोग एक समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सबकी जो सामूहिक ऊर्जा है उसका परिणाम स्वरूप ये जो कार्य है वो और अधिक गति से आगे बढ़े। तो ये कई सारे विचार विमर्श यहाँ पर होंगे और पूरे 10, 11, 12, 3 दिन ये चर्चा चलेगी। इसमें संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी है, पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत,
माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबले और अपने संघ के जो सह सरकार्यवाह है पांचों, वो लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। संघ के जो विभिन्न कार्य विभाग है वो सारे लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कुछ अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे। तो एक तरीके से संघ के प्रमुख टोली प्रमुख पदाधिकारी और विविध क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारी, इनका ये पूरा एक सामूहिक मंथन यहाँ पर 3 दिन चलेगा। और इसमें ये बैठक स्वाभाविक रूप से संगठन की अंतर्गत बैठक होगी, तो इसलिए मैंने आपके सामने कुछ संक्षिप्त जानकारी दी है। बैठक में जो जो भी कार्यवाही होगी तो उसका जो भी सार्वजनिक रूप से बताने योग्य विषय होंगे उसका निवेदन 12 तारीख को बैठक के अंतिम दिन दोपहर में जब लगभग 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई न कोई संघ के सहसर कार्यवाह में से उसको संबोधित करेंगे और उसमें फिर प्रश्नोत्तर के लिए भी इस बैठक से संबंधित संघ से संबंधित विषयों पर पूछने के लिए प्रश्नोत्तर के लिए भी अवसर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर है। कल जब बैठक प्रारंभ होगा तो उसका कुछ एक प्रेस रिलीज और कुछ वीडियो और फोटोज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि अंतर्गत बैठक है तो आपके लिए उसकी जो जानकारी होगी हमारे प्रचार विभाग के रायपुर के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सब लोग आए, इसके लिए आपको साबधान। धन्यवाद। एक सवाल है, कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने जो डैमेज किया है देश का उसको ठीक करना है। पहली बात तो प्रश्नों के जवाब जो है मैंने बताया आपको 12 तारीख को। आज तो मैं केवल ब्रीफ करने के लिए आपको आया हूँ बैठक के बारे में, और बाकी जवाब उस दिन देंगे। बाकी अच्छा है, समाज में सभी लोगों को सक्रिय रहना चाहिए। कुछ प्रश्न बैठक से संबंधित हो तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। हाँ जी, क्या चुनावी बात भी होगी, चुनावी रणनीति होगी, राजनीतिक बातें नजदीक नहीं होगी? संघ की बैठकें बहुत पहले से तय होती है और इसकी योजना बहुत पहले से चलती रहती है और अलग अलग जगहों पर होती है, तो ये चक्र बहुत स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बाकी मैंने आपको जो छत्तीसगढ़ में इस बार संघ को महत्वपूर्ण जो समिति जो बैकग्राउंड वाले नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष बना गया बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष, क्या माना जाए कि इस बार संघ की भूमिका चुनाव में भी इनडायरेक्ट रूप से हो सकती है? तो पिछले चुनाव में संघ कहीं कहीं किनारे था, ऐसी बातें सामने आई है। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में संघ का कार्य लगातार बढ़ रहा है और उसका संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, तो हमारा सब पूरा ध्यान जो है संघ के कार्य के विस्तार पर लगा हुआ है। कैसे संघ का कार्य विस्तारित हो, पूरे समाज को हम कैसे जोड़े, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। हर प्रदेश में हम लोगों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यूपी गवर्नमेंट सारे मदरसों का सर्वे करा रहा है, एनीथिंग ऑन दैट? 12 तारीख। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख के जो दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो सब में आप सादर आमंत्रित है। इसके बाद आपके स्वल्पाहार और चाय की व्यवस्था की है, उसको ग्रहण करके ही जा सकते हैं।